हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेमेंट सिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्यार में चालाक और चंट कैसे बना जाए और चालाक और चंट बनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे देखो, एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि आपको चालाक और चंट तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपको ये चीज़ अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप टिकने वाले नहीं हो। बहुत जल्दी इस पिच पर से आप आउट हो जाओगे, ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो आपके लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन जो है वो ये है कि आपको दो कदम आगे रहना है अपने पार्टनर से, ठीक है। प्यार में आपको दो कदम अपने पार्टनर से आगे रखेगा ये वीडियो, आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि चालाक और चंट बनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं प्यार में। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप किसी को भी पटा सकते हो। अगर लड़के हैं तो लड़कियों को, और लड़कियां हैं तो लड़कों को पटा सकती हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को, फैमिली को भी आप पटा सकते हो इस मेथड का इस्तेमाल करके। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, किसी को भी पटा सकते हो। दूसरा आपको लाभ ये मिलेगा कि टूटते रिश्ते को आप बचा सकते हो। जी हाँ, अगर आप चालाक और चंट बनना सीख जाते हो, बन चुके हो, तो रिलेशनशिप में जब कभी भी ऐसी कगार आएगी कि रिलेशनशिप टूटने वाला हो, ब्रेकअप होने वाला हो, और ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों के साथ होता है, तो तब आप इस मेथड का इस्तेमाल करके फटाक से तुरंत अपने रिलेशनशिप को सेफ और साइड में लेके चले जाओगे और बचा लोगे। आपको एक लाभ ये मिलेगा कि आप किसी भी सिचुएशन से निपटने की स्थिति में आ जाओगे। आपके पास एक ऐसी कमाल की एनर्जी पावर होगा ना, आपके पास एक ऐसा कमाल की एक तरीके से कैपेसिटी होगी कि आप किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हो, उबर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप अपने पार्टनर को भी निकाल सकते हो ऐसे सिचुएशन से, ठीक है। और आपको जो फोर्थ एंड लास्ट आपको बेनिफिट मिलेगा प्यार में चालाक और चंट बनने से, वो ये होगा कि आप लोगों को अपने पीछे डाल सकते हो, पागल बना सकते हो प्यार में। मतलब कहने का ये है कि दीवाना बना सकते हो, सबके दिल पे राज कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लॉट्स ऑफ हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये भी आती है कि ठीक है, बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और भी कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये चार मेजर हैं, ठीक है, इनके अंडर में ही सारी आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे, सवाल जो है वो ये उठता है कि ठीक है, लेकिन चालाक और चंट बना कैसे जाए। यहाँ पे जो चालाक और चंट बनने के जो सुप्रीम मेथड्स हैं, जो सुप्रीम तरीके हैं, वे हैं, रास्ते, वो यहाँ पे कलेक्ट किया गया है आपके लिए। तो चालाक और चंट बनने के लिए आपके पास सिर्फ सुप्रीम जो टॉप के हैं वो चार रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो है वो है यूज योर ब्रेन पावर। जी हाँ, अगर आप देखो क्या है कि हम कह देते हैं ना कि वो इंसान बहुत ही सातिर है, उस इंसान से बच के रहना बहुत ही सातिर है, बहुत ही चालाक है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंसान दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको भी ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं आपको बोल रहा हूँ कि प्यार में दिल का इस्तेमाल नहीं करना है, प्यार तो दिल से ही चलता है, लेकिन आपको चालाक अगर बनना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके पास जो ब्रेन है ना, इसके पास बहुत पावर है, इसका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो है चालाक और चंट बनने का जो मेथड है, रास्ता है, वो है कि आप जो है ज़्यादा बातें करना सीखो। लेट्स स्टार्ट स्पीक मोर, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आप चालाक बनना चाहते हो, ठीक है, चालाक अगर बनना चाहते हो, तो आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि ज़्यादा बोलना है, आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा, लोगों से बातें करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आपके अंदर से वो छुपी हुई चीज़ बाहर आ जाती है जिसके बारे में आपको ही नहीं पता था, ठीक है। वो चीज़ आप बाहर फाइंड आउट करके लाते हो और फिर वो चीज़ आप में ऐड होती चली जाती है। तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो, ठीक है। कहते हैं ना कि वो बहुत बड़बड़ करता है, तो जो बहुत बड़बड़ करता है ना, वो बहुत ही चालाक भी होता है। ये बात आप आजमा के कभी भी देख लेना। अगली जो बात है वो है, लेट्स स्टार्ट टॉक टू योर सेल्फ। आपको खुद से बात करना सीखना पड़ेगा। साइकोलॉजी, साइंस यही कहता है कि जो इंसान खुद से बात करता है, बहुत ही एक तरीके से सुपर मैन की कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो आपको ऐसी आदत, ऐसी हैबिट खुद के अंदर लानी पड़ेगी कि आप खुद से बात करना सीख सको, ठीक है ना। तो अकेले में भी हो तब भी आप खुद से बात करने की हैबिट डालो। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये क्या पागल बनती है, पागल बनती नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चालाक बनने के लिए। आप खुद से बात करना स्टार्ट करो कि यार ये क्या किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, वहाँ जाना है, ये करना है, इस तरीके की बातें खुद से करना स्टार्ट करो। आप चालाक की बहुत जल्दी लिस्ट में शामिल हो जाओगे।
अगली जो बात है, मेथड है, वो है इंडियन मूवीज। ठीक है, आप जो है इंडियन मूवीज़ देखो, उसमें भी आप साउथ इंडियन की फिल्में देखो जो कि हिंदी में डब है, अपने लैंग्वेज में जो डब आती हैं वो आप देख सकते हो, और जिसमें आप कोशिश करो कि रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्में देखो, और उसमें ये नोटिस करने की कोशिश करो कि क्या ऐसी चीज़ है जो थ्रिल दे रही है। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है उसमें से आप जब नोटिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बात आपने नोटिस किया है कि फिल्मों की सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? फिल्में हिट बहुत सारे फैक्टर पे होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है डायलॉग का। तो अगर आप डायलॉग पे फोकस करते हो, डायलॉग्स को रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप कमाल के एक तरीके से चालाक और चंट इंसान बनते चले जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी और सुप्रीम वे हैं चार। ठीक है, तो इन चार के बारे में हमने आपको बताया है, डिस्कस किया है, तो इन चार को आप इस्तेमाल करो और अचीव कर लो अपने टारगेट को। एंड में बस इतना ही कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ आपके तक सीमित रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो आप इट्स अ ड्यूटी योर। एंड अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज आने वाली हैं। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने क्वेश्चन जो भी हैं, जो भी सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, ताकि मैं वहाँ से नया टॉपिक पिक कर सकूँ वीडियो बनाने के लिए। और एंड में अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके उसको फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lovintercity@cm4। वहाँ पे लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर।